हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ हिसाब करो, हमारे साथ हिसाब करो, हमारे साथ करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। पहले कोई गाइडलाइन नहीं है, जब भी आते हैं बंद करो, जॉब जी बंद। पिछले बार हमने डिस्ट्रिक्ट साहब से मीटिंग की, डिस्ट्रिक्ट साहब ने कहा खाली डिस्ट्रिक्ट में चलना है, 5 सवारी आप भरो और चलो। हमने कहा किराया कम है, उस किराए पे नहीं चल सकते हम। उन्होंने कहा कमिश्नर साहब निकालेगा रेट लिस्ट, उस समय जो रेट होगा उस रेट पे चलो। लाइन निकाल लिया इन्होंने, मगर हमें भी वाजा करे रात को, कल बता देते आज नहीं आते थे हम, उसी हिसाब से हम भी चलते। अगर 60 गाड़ियाँ चलाते हैं हम, 30 गाड़ियाँ चलाने के ऑर्डर गाइडलाइन है, हमें भी बता दो, हम 30 ही लाएंगे, 30 ही चलाएंगे। आज लॉकडाउन है, मगर लॉकडाउन सिर्फ हमको, हम ड्राइवरों को है। मैंने कल झुमका भेजा अपनी बीवी का, फिर बीवी का झुमका भेजा, इसलिए हमने अपने आयाल को दिया। किसी के पास चूल्हा जलाने के लिए पैसे नहीं है, गैस नहीं है, चावल नहीं, क्या है, खाली कहते हैं आरटीओ साहब यहाँ हटाओ गाड़ी। के आरटीओ ने किसी ड्राइवर एसोसिएशन को बताया कि गाड़ियाँ कल से नहीं चलेंगी, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो मैं अपने एआरटीओ से भी बताऊंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है हमारा, उसमें 50% सवारियाँ लेके सोमोज को चलना है, और उसके अलावा जो मिनी बसेज हैं हमारी, अगर किसी के पास 20 सीट का कैपेसिटी है उसमें 10 सवारियाँ बिठाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाकर मास्क पहनवा कर उनको चलना है। इसी तरह जहाँ तक हमारे सोमो का सवाल है, सोमो में 9 सवारियाँ आती, 4 सवारियाँ अलाउड है, 4 सवारियाँ और एक ड्राइवर, ये लेकर ये चल सकते हैं। लेकिन उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी पैसेंजर्स होंगे, ड्राइवर हजरात होंगे, वो कोविड रिलेटेड जो भी हमारी एसओपी है उसका पालन करेंगे, मास्क वगैरह पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सवारी को बैठा कर चलें, उसमें कोई भी इनको रुकावट नहीं होगी। लेकिन 50% पैसेंजर